धनबाद जिले में एक बार फिर से शूटर अमन सिंह ने अपनी दस्तक दी है। बाघमारा थाना क्षेत्र में रहने वाले कोयला व्यवसायी प्रमोद सिंह से 50 लाख की रंगदारी फोन पर मांगी गई। कोयला व्यवसायी में इस घटना के बाद से भव्य का माहौल है। अमन सिंह शूटर के छोटे भाई छोटे सिंह ने शनिवार सुबह लगभग 11 बजे फोन कर कोयला व्यवसायी से रंगदारी मांगी गई। मामले को लेकर कोयला व्यवसायी ने बाघमारा थाना में लिखित शिकायत दी है और सुरक्षा की गुहार लगाई है। कोयला व्यवसायी ने कहा कि रंगदारी मांगने वाले ने फोन पर धमकी दिया है कि वासेपुर लाला खान का जो अंजाम हुआ है वही अंजाम उसका करेंगे। 4 दिनों में रंगदारी नहीं दी गई तो जान से मारने की धमकी अमन सिंह के छोटे भाई छोटे सिंह ने दी है। वहीं बाघमारा थाना प्रभारी सूबेदार यादव ने कहा कि 50 लाख की रंगदारी कोयला व्यवसायी से फोन पर मांगा गया है, लिखित शिकायत मिली है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस सभी को सुरक्षा प्रदान करती है। वरीय पुलिस अधिकारी को भी इसकी सूचना दे दी गई है। मतलब अपनी गाड़ी को देखकर आ रहे थे तो रास्ते में फोन आया तो मैं फोन उठाया तो उन्होंने कहा कि मैं अमन सिंह भाई छोटे सिंह बोल रहा हूँ और मुझे 50 लाख के रुपये की रंगदारी चाहिए। तो मतलब किस लिए भैया? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग को 50 लाख रुपये आपको देना पड़ेगा, तो आप अभी हम लोग को समझते नहीं हैं, तो अभी आप 4 दिन पहले लाला को देखे हैं ना, अभी कांड हुआ है, अब 4 दिन इंतजार कीजिए, आपके साथ भी वैसा ही होगा। तो मतलब जो होगा भैया देखा जाएगा, 50 लाख रुपये हम लोग कहाँ से लाएंगे। उसके बाद उसने मुझे बोलने लगा कि तुम्हें बात करने का तमीज नहीं है, ये है वो है, फर्जी फर्जी गालियाँ देने लगा और फोन कर दिया। इसके बाद आप क्या किए? इसके बाद चुपचाप हम वहाँ से सीधा घर आए। घर आके थोड़ा बहुत सोचने के बाद फिर दिमाग जब मेरा स्थिर हुआ तो फिर हम थाना गए। थाना में जाकर हमने लिखित आवेदन बड़ा बाबू को सारी सच्चाई बताई और थाना को दे दिया हूँ, मेरा जान माल का सुरक्षा किया गया। डर क्यों नहीं है? डर सभी इंसान को होती है। आज तक मुझे किसी से दुश्मनी नहीं है, ना किसी से मेरी लेनदारी है या देनदारी है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए कि कोई भी क्रिमिनल उठा के इस धनबाद जिला में अशांति को फैलाता है तो ये तो अच्छी बात नहीं है। मैं गाड़ी घोड़ा का व्यवसाय करता हूँ, कोयला व्यवसाय। पोल ही आया था, व्हाट्सअप पोल ही आया था, जिसका मैंने स्क्रीन शॉट मैंने थाना को भी दे दिया है। थाना की तरफ से क्या आश्वासन? थाना का पूरा सहयोग मिल रहा है। थाना का बड़ा बाबू मुझे हर वक्त फोन करते रहते हैं कि आप कहाँ हैं, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं कि नहीं हैं। वो लोग हमेशा हर एक स्टाफ का सहयोग बड़ा अच्छा है। हम बड़ा बाबू मेरे घर भी आए थे और घर का पूरा मुआवजा भी किए हैं। कुछ दिशा निर्देश ये भी हैं कि आप कहीं भी जाते आते हैं तो थोड़ा हमें इन्फॉर्म करके निकल सकते हैं। प्रशासन से यही मांग करते हैं कि मुझे पूरी सुरक्षा प्रदान की जाए, इससे आगे हम क्या कर सकते हैं। था प्रमोद सिंह के द्वारा जो कि कोयला का काम करते हैं, उनके द्वारा एक आवेदन आया था जो कोई व्हाट्सएप कॉलिंग नेट कॉलिंग आया था उनको कल 11 बजे के आसपास, और उनसे 50 लाख का रंगदारी मांगा गया था। तो उसी के बारे में आवेदन आया है, उस पर जाँच चल रहा है, जो भी कार्रवाई होगा सही पाया जाने पर किया जाए। हाँ, पूरा सब सीनियर सर को बता दिया गया है। क्या कोई सेंसिटिव पर्सन है जो रंगदारी मांगा है? अमन सिंह गैंग का नाम आया है, उसी का नाम ले रहा था। सुरक्षा पुलिस सबको देगी, कभी भी देगी, जब भी जरूरी पड़ेगा, मतलब वो सुरक्षा है। और कहीं से इस टाइप से कोई दिक्कत होगा तो हमेशा फ़ोन करने के लिए उनको 2-3 नंबर दे दिया गया है, जब भी ज़रूरी पड़े मतलब फ़ोन कर सकते हैं। कुछ कर लिया गया है।